प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो चुनाव की कोई ना कोई घोषणा होने के एक दो दिन पहले आते हैं। पिछली दफा वो जो एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखने आए वो 3 अक्टूबर 2017 को आए, तो उस समय जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो इसलिए वो आए और उन्होंने जो है एम्स का फाउंडेशन स्टोन किया, और फिर जो है उन्होंने वहीं से ऑनलाइन IIIT का फाउंडेशन स्टोन किया, और अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है फाइनलाइज नहीं कर सके, पूरा 5 साल निकल गए। अब जब सरकार के जाने का टाइम आ गया, जब सरकार की विदाई को सिर्फ 5-7 दिन रह जाएंगे, क्योंकि पहले हफ्ते में मार्च में तो कोड कंडक्ट लग जाएगा, तो इसका मतलब 26 को आ रहे हैं, तो एक हफ्ता पहले विदाई के हैं, तो तब आ रहे हैं उसका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए। ये जो चुनावी गिमिक्स हैं और ये जो किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री से ये पत्थर खा रहे हैं। अब आज 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 आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटीज के लिए, स्मार्ट सिटी जो कि इनके बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं, पहले साल में स्मार्ट सिटी को लिए 18 और 19 में मार्च के बाद कितना पैसा आया, धर्मशाला के लिए कितना पैसा आया, सिर्फ 6 करोड़ रुपया, और शिमला स्मार्ट सिटी के लिए कितना पैसा आया DPRs वगैरह बनाने के लिए, सिर्फ 24 करोड़ रुपया। स्मार्ट सिटीज आप बनाना चाहते हैं, फंडिंग आपने की नहीं है, आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? विधायक दल के नेता, विपक्ष के नेता भी हैं, उनको जो है वो हर बात पर जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए, चाहे उसके बारे में कोई जानकारी हो या ना हो, हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहिए, इसलिए वो हर चीज को जो है राजनीति के जरिए से देखते हैं। उन्होंने 4 तारीख को इशू उठाया था कि जी इस कॉलेज का शिलान्यास माननीय वीर भद्र सिंह जी ने 2008 में कर दिया था, अब यह द्वारा कर दिया गया है। हमने उसका जो है वो एग्जैक्टली एनेक्स्टर्स के साथ पॉइंट वाइज डेट वाइज जो है वो उसकी सारी स्थिति बताई है। उषा वन के अंतर्गत मॉडल कॉलेज जो है वो सारे देश भर में दिए गए, और एस्पिरेशनल जिला है हमारा चंबा, चंबा में ऐसा ही कॉलेज उषा वन के अंतर्गत छतराड़ी में खोला गया, मतलब मंजूर हुआ था, टैब होता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में MHRD में, वो अप्रूव करता है, उन्होंने अप्रूव करके छतराड़ी के लिए, बाद में छतराड़ी में उस वक्त के जो MLA थे भरमौरी जी, उन्होंने लिख के दिया कि भी इस कॉलेज को इस स्थान पर नहीं, लीर कोठी में जो है वो, उसके बाद वो अप्रूवल जो है वो लगभग 1 साल के बाद हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने की, फिर वो लीर कोठी के लिए हो गया, उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दे दी थी, लेकिन इनको ज़मीन ही नहीं मिली, ना तो वहाँ कोई ज़मीन थी, ना कोई पैसा सेंक्शन था। इन्होंने इकट्ठे सारे हिमाचल प्रदेश के 30-35 स्थानों के जो है वो पट्टे वहाँ लगाए, और वो कह दिए कि हमने इसका शिलान्यास कर दिया। जब ज़मीन नहीं थी, पैसा नहीं था, DPR नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, उन्होंने वो कॉलेज कैंसिल कर दिया था।